Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahvish Ramzan. I am a medical student. In this lecture, I will discuss the difference between diffusion and facilitated diffusion. Diffusion is movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration along concentration gradient. तीन वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. दूसरा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. यहाँ पे डायग्राम में भी शो हो रहा है, ये ब्लू में मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास और ये तकरीबन 7 है. यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में ज़्यादा अमाउंट में है और ये किस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. यहाँ पे बस 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हायर अमाउंट से ये जाते हैं लोअर अमाउंट की तरफ. इसी को हम कहते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब भी यही होता है कि हायर अमाउंट से जाना लोअर अमाउंट की तरफ या फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सेल के आउटसाइड से ये इनसाइड भी आ सकते हैं, सेल के अंदर भी आ सकते हैं, दोनों तरफ हो सकती है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है. दो तरह की ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो ATP यूज होता है, एनर्जी एक्सपेंड होती है. लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होता है, ATP नहीं यूज होते तो एनर्जी भी नहीं यूज होती. यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी ATP मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हुई. तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. गैसियस एक्सचेंज में इनका रोल है इन गिल्स एंड लंग्स. हम अपनी एग्जाम्पल लें, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वहाँ पे एल्वियोलाइज के अंदर होता है गैसियस एक्सचेंज. एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है और हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है. बेसिकली ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर वो ज़्यादा होता है और लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम होता है. तो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर में कम होता है तो वो हमारे इन साइड ऑफ द लंग से चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर. सो यानी कि वो हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें मूव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन भी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लंग्स के अंदर भी गिल्स के अंदर भी. तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है और हम ब्रीदिंग करते हैं हम भी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी, जैसे कि फिश वगैरह, फिश के अंदर होते हैं गिल्स. और इसके बाद है ग्लूकोज. मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन इन टू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई. विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन्स के फोल्ड होते हैं. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन से चले जाते हैं ब्लड के अंदर. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन को क्रॉस करके उसको डिफ्यूज करके वहाँ से डिफ्यूजन करके आ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर. जब भी हम खाना खाते हैं तो हम ग्लूकोज लेते हैं बहुत सारा, वो हमारे जो है वो स्टमक में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन इन द ब्लड. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से इन टू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई. इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जाहिर है कि इस डिफ्यूजन को कोई चीज़ फैसिलिटेट करती है, कोई चीज़ इस डिफ्यूजन की मदद करती है, कोई हेल्प करती है. यानी पहले वाले डिफ्यूजन क्या थी, वो सेल मेम्ब्रेन से के अंदर से आसानी से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करेंगे लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और चीज़ होगी, उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे. तो सब्सटेंसेस आर टेकन इन टू और आउट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. वो चीज़ क्या है, वो हेल्पिंग एड क्या है, वो फैसिलिटेटर क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती हैं. यहाँ पे नीचे जो है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो स्टार शेप में सब्सटेंसेस बनाए हुए हैं सब्सटेंस इसको शो करने के लिए. यहाँ ये 6 है नीचे हायर कंसंट्रेशन और ऊपर जो है वो 3 है लोअर कंसंट्रेशन. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सब्सटेंसेस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इन टू और आउट ऑफ द सेल दोनों तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे जो है वो हमें दिखाया गया है इनसाइड से मूव कर रहे हैं आउटसाइड की तरफ. येलो कलर में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती है कि रास्ता बना देती है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंसेस हैं उनको रास्ता मिल जाता है
और वो इसके अंदर से मूव कर जाते हैं। पहले क्या था, ये जो लिपिड वाली लेयर थी, जो पिंक वाली, इसके अंदर से मूव कर रहे थे, लेकिन अब डिफ्यूजन के अंदर, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ने जो इनको रास्ता दिया हुआ है, इसके अंदर से ये इजिली मूव कर रहे हैं। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती, ATP इसमें नहीं चाहिए होता। इसके एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। इनको जो है वो डिफ्यूजन के लिए फैसिलिटेटेड चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होती है। सो इनकी ट्रांसपोर्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ग्लूकोज जो है वो दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी और डिफ्यूजन भी। रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ज़्यादा होता है देन सिंपल डिफ्यूजन, वो इसलिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, ये दोनों की कंबाइंड डायग्राम है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर सिर्फ ये रास्ता बना हुआ है और बस इसके अंदर से इन्होंने सीधा सीधा मूव कर जाना है बाहर, अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर। लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन के अंदर क्या है कि उसको पहले एक मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है सब्सटेंसेस को पहले, और फिर उसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर वो आसानी से क्रॉस कर लेगा। अब सब्सटेंसेस जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो ईजिली डिफ्यूज क्यों नहीं कर पाते, उसकी वजह ये होती है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो नंबर वन रीज़न साइज़ में बड़े हो सकते हैं, साइज में बड़े होंगे तो वो ये जो लिपिड वाले है इसके अंदर से नहीं गुजर सकेंगे, तो उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होगी। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि उन सब्सटेंसेस पे चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ये लिपिड मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, उनको भी जो है वो डिफ्यूजन के लिए प्रोटीन चाहिए होगी, और इसलिए जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से डिफ्यूजन करेंगे। सो kindly subscribe my channel, also hit the bell icon and share to your friends. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.